हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टू स्टडिंग इज इंटरेस्टिंग। और आज है मेरी फर्स्ट रिवील वीडियो, मेरा फेस रिवील वीडियो। और आज से इस चैनल पर हम अच्छे से एकदम मजे से इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे और हर एक वीडियो में आपको बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ नए अंदाज में पढ़ाऊंगी। तो इस वीडियो में आज हम आपसे करेंगे 5 questions, जिनमें से 2 questions आपके लाइफ रिलेटेड होंगे और 3 questions जस्ट फॉर रिफ्रेशिंग योर माइंड। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, आपको बहुत मजा आएगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, देयर आर 5 sisters इन अ रूम। एक रूम में 5 sisters हैं, जिसमें से एक कुकिंग कर रही है, सेकेंड सिस्टर रीडिंग कर रही है, थर्ड सिस्टर चेस खेल रही है एंड द फोर्थ सिस्टर जो है वो कर रही है पेंटिंग। तो यहाँ पर हमारे पास 4 sisters आ गई हैं जो कि अलग अलग काम कर रही हैं। आपने मेरे को इस क्वेश्चन में बताना है कि जो 5th sister जो कि रूम में है वो क्या कर रही है। इसके लिए मैं आपको 10 seconds दूंगी और इसका आंसर मेरे को आप कॉमेंट सेक्शन में भेज देना। तो इसके लिए मैं आपको 10 seconds देती हूँ। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 and 1, 0। सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज्यादा इजी है। एक रूम में 5 sisters है, मतलब एक ही रूम है जिसमें 5 sisters है। चारों का हमने काम बता दिया है कि 4 ये कर रहे हैं, कुकिंग, रीडिंग और पेंटिंग जो है वो एक बंदा कर सकता है, लेकिन जो चेस गेम है वो 2 बंदे ही खेल सकते हैं। नॉट अ सिंगल पर्सन कैन एवर प्ले चेस गेम। सो जो 5th बहन या सिस्टर होगी वो भी 4th के साथ चेस खेल रही होगी। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि बहुत ही ज्यादा इजी था माइंड रिफ्रेश करने के लिए। तो इस फर्स्ट क्वेश्चन के साथ हम बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। सो गाइस, सेकेंड क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगी जो कि आपके लाइफ से रिलेटेड होगा। 5 questions पूछने थे जिसमें से मैंने 1 पूछ लिया, वो आपके माइंड रिफ्रेशिंग के लिए था। बचे 4 में से मैं आपसे 1 पूछने जा रही हूँ जो आपके लाइफ से रिलेटेड, और वो क्वेश्चन आपको हमेशा आपसे पूछना चाहिए। तो जो क्वेश्चन है, दैट आर यू मूविंग इन ए राइट डायरेक्शन टू अचीव सक्सेस इन योर लाइफ। सो क्वेश्चन यही है आपका कि जो भी हर एक बंदा अपनी लाइफ के लिए एक गोल सेट करके रखता है कि भले ही आप कोई एक जॉब का, कोई भी मामूली इंसान हो, वो एक जॉब तक का तो सिंपल जो होता है अपना गोल सेट करता है कि मुझे एक जॉब मिल जाए। बाकी जो बड़े होते हैं उनके बड़े ड्रीम्स होते हैं, वो उनसे हमें कुछ नहीं है। बस क्वेश्चन हमारे पास ये है कि आपका जो भी गोल है उसको पाने के लिए आप बिल्कुल राइट डायरेक्शन में चल रहे हो कि नहीं। आपको ये क्वेश्चन सुबह अपने आप से रोज पूछना चाहिए कि जो भी, मतलब आपने दिन में पूरा काम जो किया, आज मैंने जो पूरा काम किया उसका फीडबैक, हर एक काम का अपना फीडबैक देना चाहिए। जैसे मैंने अपना होमवर्क किया तो गंदी राइटिंग में किया या अच्छी राइटिंग में किया, वो हमें देखना है कि अब जैसे मैंने उसे जल्दी किया, लेट किया, तो हर एक चीज का हमें अपने आप को फीडबैक देना चाहिए। फीडबैक देने से क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम से हमें पता चलेगा कि हम सही कर रहे हैं या नहीं। और फीडबैक देने से हमें यही पता चलेगा कि आपको, जैसे मैंने, मेरी लाइफ का कोई गोल है जैसे मैंने डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बनने के लिए मैं अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन, सही स्टडीज, सही रूटीन से चल रही हूँ कि नहीं, ये रोज हमें जानना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट, यही सेकंड क्वेश्चन हमारी लाइफ का था जो कि हमें हमेशा जानना चाहिए कि हमारी जो सक्सेस है, गोल है, उसकी तरफ हम सही डायरेक्शन में चल रहे हैं कि नहीं। कई लोग अलग अलग बातों में फंस कर अपने गोल को बिल्कुल इनडायरेक्ट कर लेते हैं, अपने गोल से इनडायरेक्ट कर लेते हैं, बाकी चीजों से उनकी अट्रैक्शन बढ़ जाती है। तो वो हमें नहीं करना, अपने गोल की तरफ जस्ट अपना निशाना बनाना है और उसकी तरफ ही बढ़ते जाना है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन यहीं पर कंप्लीट होता है। और आपको भी मेरी वीडियो को फीडबैक देना है कि इसमें मुझे और क्या ऐड करना चाहिए और क्या अच्छा उसमें और बनाना चाहिए और आपको किस चीज के बारे में और वीडियो चाहिए, इसका फीडबैक मुझे आप अपनी मेरी वीडियो के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर देना। तो इसी के साथ सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट है, 3rd question की तरफ बढ़ते हैं।
सो द थर्ड क्वेश्चन इज फॉर अगेन माइंड रिफ्रेशिंग, क्योंकि ज्यादातर जो लोग होते हैं ना उनको लाइफ से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ क्विज कुछ मजेदार अच्छा लगता है, तो यहाँ पे मैं ज्यादा जो है आपके माइंड रिफ्रेशिंग क्वेश्चन लेके आई हूँ. सो सेकेंड क्वेश्चन आपके लिए ये है कि व्हाट कम्स, ये देखिए, व्हाट कम्स वंस इन मिनट. इस लाइन को मैं समझाती हूँ कि कौन सी ऐसी चीज है जो एक बार मिनट में आती है, दो बार मोमेंट में आती है एंड नेवर कम्स इन थाउजेंड ईयर्स. कभी भी थाउजेंड ईयर्स में नहीं आती. कौन सी ऐसी चीज है जो कि एक बार मिनट में, दो बार मोमेंट में और कभी भी थाउजेंड ईयर्स में नहीं आती. मोमेंट का मतलब आपको पता होगा, जैसे आप चाहते हो कि मैं मोमेंट का मतलब बता दूं, तो इसका मतलब होता है पल. तो इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगी, बिकॉज दिस इज जस्ट अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू एंड यू कैन आंसर इट वेरी इजीली इन द कॉमेंट सेक्शन. सो टाइम शुरू करते हैं. योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही ज्यादा इजी है. तो इस क्वेश्चन का आंसर है, एक बार मिनट में आए, दो बार मोमेंट में आए, कभी भी हजार सालों में ना आए. दैट इज सिंपल, दैट इज एम. क्योंकि मिनट में जो होता है एम वो एक बार आता है, मोमेंट में दो बार आता है और थाउजेंड ईयर्स में कहीं पर भी एम नहीं आता. सो हमारा ये थर्ड क्वेश्चन भी यहाँ पर हो गया है कंप्लीट. आप चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ फटाफट बढ़ के अपनी. सो बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ. फोर्थ क्वेश्चन अगेन आपकी लाइफ के बारे में है. सो द क्वेश्चन इज दैट व्हाट कैन आई लर्न फ्रॉम माय मिस्टेक्स एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव देम. क्वेश्चन बहुत इजी है लाइफ के बारे में कि जो मेरी मिस्टेक्स मैंने आज की हैं मैं उनसे क्या सीखूं, और उसका नेक्स्ट है कि उसको इम्प्रूव कैसे करूं. तो मिस्टेक्स सबसे होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा हो जिससे मिस्टेक्स ना हो, बिकॉज वी आर ह्यूमंस एंड वी डू मिस्टेक्स वेरी मच इन आवर लाइफ. हमेशा किसी ना किसी से कोई ना कोई गलती होती है. तो उस मिस्टेक को सुधारने के लिए और उसे सीखने के लिए वही बंदा हमेशा लाइफ में सक्सेसफुल होता है जो अपनी मिस्टेक से सीखता है और उनको सुधारने की कोशिश करता है. जो तो ऐसा नहीं करता है उसका लाइफ में कोई गोल सेट नहीं हो पाता. जो बंदा एकदम फेलियर पर्सन होता है, जो कि ये सब चीजों को जानना तक नहीं चाहता या कोशिश ही नहीं करता. हम जीतते तभी हैं जब हम बार बार उस चीज का प्रैक्टिस करें. सो इस क्वेश्चन का ये आंसर था कि हमेशा हमें अपनी मिस्टेक से सीखना चाहिए. कुछ भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे मान लो मैंने चाय बनाई उसमें शुगर ज्यादा है, तो आगे मुझे अपने बड़ों से सीखना चाहिए कि उसमें क्या कम है और या क्या ज्यादा है, तो उसको नेक्स्ट टाइम से मैं अच्छा बनाऊं. और फिर जैसे मैंने आपको बताया कि उसका फीडबैक लेना चाहिए, फीडबैक देना चाहिए. तो दोनों क्वेश्चन का आंसर दोनों मिक्स होके बहुत अच्छा आंसर देते हैं हमको. और हमेशा हमें अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करना चाहिए, जस्ट लाइक अवर हैंड राइटिंग. हमारी हैंड राइटिंग गंदी है तो उसको इम्प्रूव करो, तो हमारी मिस्टेक्स जो होंगी कम होती जाएंगी और इसी तरह से हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा इजी और अच्छी बच जाएगी. तो इस क्वेश्चन का आंसर था बहुत ही ब्रीफ में अच्छा सा. अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ, विच विल बी अगेन द माइंड रिफ्रेशिंग क्वेश्चन. सो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है माइंड रिफ्रेशिंग क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन में मैं आपसे बहुत सिंपली क्वेश्चन पूछूंगी. तो आपके सामने एक बाथटब है विच इज फुल ऑफ वाटर. आपके पास है एक ग्लास, एक बकेट और एक स्पून. तो आपको उस जो हमारा बाथटब है उसको खाली करना है, जिससे मतलब जल्दी खाली करना है. तो इन तीनों में से कौन सी ऐसी चीज है, इन तीनों में से नहीं, मतलब कैसे हम इस बाथटब को बहुत सबसे फास्ट तरीके से खाली कर सकते हैं. तो इसके लिए मैं आपको 5 सेकंड्स दूंगी. तो स्टार्ट करते हैं. 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0. सो मैंने आपसे कहा था कि क्या कौन सा ऐसा वे है जिससे हम इस बाथटब को सबसे ज्यादा जल्दी हम इसको खाली कर सकते हैं. सो द क्वेश्चन इज जस्ट प्लग आउट द
तो जो यहाँ पे हमारे बाथटब के नीचे कुछ कैनल टाइप बना होता है ना, जिसको खींचते हैं तो वो तुरंत खाली हो जाता है, जैसे टोर्नेडो टाइप। तो अगर आप उसको प्लग आउट कर दोगे तो अपने आप जो पानी उसके अंदर घुस जाएगा और आपका जो बाथटब है वो 2 मिनट में ही खाली हो जाएगा। सो ये सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन था जिसके लिए मैंने आपको 5 सेकेंड्स दिए, बहुत ज्यादा इजी था। तो इसका भी आंसर आप मुझे दे सकते थे कमेंट सेक्शन में। तो आज की वीडियो यहीं पर कंप्लीट होती है, हमारे 5 क्वेश्चंस यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। तो मैं आपको फिर से कहना चाहूंगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, और सब्सक्राइब करने के बाद जो बेल आइकन है उसको प्रेस करना ना भूले, ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स जो आएंगी वो आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इस वीडियो के फीडबैक को या मेरे से कोई मिस्टेक हुई है या मैं आपके लिए कुछ अच्छा और लेके आऊँ, उसके लिए मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट करना। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।